आपको ध्यान करना है दो चीजों के ऊपर, ऑन द ब्लड ऑफ जीसस, ऑन द नेम ऑफ जीसस। आप ये दो चीजों के ऊपर मनन करेंगे, परमेश्वर का ब्लड, परमेश्वर का नाम। अगर आपने इन दो चीजों के ऊपर मनन किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी आप सपनों में चेंज होने वाले हैं। जब सुलेमान को बुद्धि मिली थी, कैसे मिली थी उसको? लिखा जब वो भेंटे चढ़ा के जा रहा था परमेश्वर के भवन पे, और लिखा रास्ते में हजारों भेड़े चढ़ा दी उसने। हजारों भेड़ों का मतलब है कि आज के टाइम के लाखों रुपए उसने जाते जाते में उसने अर्पित कर दिए। अभी चढ़ाया कुछ नहीं था, अभी जाते जाते उसने हजारों लाखों रुपए परमेश्वर के सामने चढ़ा दिए। और लिखा रात को परमेश्वर सपने में उसके आए और बोला, सुलेमान तुझे क्या चाहिए? अगर आप किसी ओलंपिक वाले से पूछें कि तेरा वो पिस्टल शूटिंग में तूने पदक कैसे लिया, तूने गोल्ड मेडल कैसे लिया, वो बोलेगा मैं बड़ा ध्यान रखता हूं, बड़ा ध्यान करता हूं, अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता हूं, बड़ा सीधा रखता हूं, फोकस करता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, फिर जाके मेरा ध्यान लगता है। आप जब सुबह जाएंगे परमेश्वर में, आप 9 बजे उठे और आपने प्रेयर किया, आप 7 बजे उठे, आपने आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा प्रेयर की, लंच टाइम आप प्रेयर कर रहे हो, रात को आप प्रेयर कर रहे हो, और इन बिटवीन उन टाइम के बीच में आप यीशु मसीह के लहू और उसके नाम के ऊपर मनन कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा फिर क्या होगा। वो होगा जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया और बोला ये था, उसमें सांप था, उसमें सब केचुआ था, ये था वो था, और पतरस बोला नहीं, मैं रेंगने वाली वस्तुएं नहीं खाऊंगा, बाइबल में मना की हुई। जब एक व्यक्ति मनन वाली पोजीशन में आ जाते हैं तो वो परमेश्वर का मैसेज सुन सकता है कि परमेश्वर ने कहा पतरस उठ मार और खा। वो परमेश्वर की आवाज सुन सकता है, जो कि उसकी आत्मा मनन करने के लिए सेट हो चुकी। मनन करने के बाद उसकी स्पिरिट परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, पाप को मना करने के लिए, एंजल्स को विजिट करवाने के लिए सेट हो चुकी। अब सुलेमान को यह बात मालूम थी कि मैं एक बच्चा हूं, और सपने में परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए। सपने में बोल रहा है परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, सपने में परमेश्वर कह रहे हैं अच्छा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तूने अपने दुश्मनों का नाश नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, बुद्धि मांगी, मैं तुझे दूंगा, पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, बुद्धि भी दूंगा, जो आज तक ना किसी राजा को दी ना कभी दूंगा। कहां पे? कहां? सपने में। और जब सुलेमान उठा वो चेंज था। बहुत सारे लोगों को शायद बाइबल नहीं पता, लोग समझते हैं शायद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था जागते हुए, वो सो चुका था, वो सपने में था। बाइबल कहती है उसके पुराने नियम में कि परमेश्वर गहरी निद्रा में बात करते हैं। जब इंसान के ऊपर गहरी निद्रा छाई है तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करते हैं। वो उन लोगों के साथ होता है जिनका मन और आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई, जो मनन करना जानते हैं। और मनन आप कैसे करते हैं? अगर आप सवेरे प्रेयर में, दोपहर प्रेयर में, रात प्रेयर में, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिट जो है वो मनन वाले डिपार्टमेंट में चली जाती, वो मनन करना शुरू करती, और एंजल्स के लिए रास्ते खुल जाते हैं कि वो आराम से आपकी लाइफ में विजिट करें और आपकी जरूरत को पूरा करें। मैं देख रहा हूं आपकी लाइफ के अंदर कुछ घटियां हैं जो दवाई पूरी नहीं कर सकती, वो एंजल्स पूरे करेंगे आपकी लाइफ में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ घटियां ऐसी हैं फाइनेंस में जो कोई पूरा नहीं कर सका, मैंने कहा एंजल्स पूरा करेंगे आपकी लाइफ में आने वाले हफ्तों में, यीशु मसीह के नाम में।